आजादी के बाद अस्तित्व में आए प्रदेश के पहले नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी धर्मशाला में प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को गति देने की दिशा में तथा इससे लोगों को जोड़ने के लिए विशेष प्रयास शुरू किए हैं। युवाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों से समाज को मुक्त करने की दिशा में भी प्रदेश सरकार व नगर निगम धर्मशाला विशेष प्रयास कर रहा है। आजादी के बाद अस्तित्व में आए प्रदेश के पहले नगर निगम एवं स्मार्ट सिटी धर्मशाला एवं स्मार्ट सिटी धर्मशाला में प्रदेश की भाजपा सरकार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया अभियान को गति देने की दिशा में तथा इससे लोगों को जोड़ने के लिए एक विशेष प्रयास शुरू किए। युवाओं को अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने और नशाखोरी जैसी सामाजिक बुराइयों में समाज को मुक्त करने की दिशा में प्रदेश सरकार व नगर निगम धर्मशाला विशेष प्रयास कर रहा है। इसी कड़ी में नगर निगम धर्मशाला के चिह्नित पार्कों, सार्वजनिक स्थानों पर आधुनिक आउटडोर जिम, बच्चों के मनोरंजन हेतु उपकरण स्थापित किए जा रहे हैं। इस परियोजना हेतु नगर निगम धर्मशाला में लगभग 2 करोड़ की राशि खर्च की जा रही है। शहर के आम लोग अपनी सुविधा अनुसार इन सार्वजनिक स्थलों पर व्यायाम कर सकेंगे। शहरी विकास, आवास एवं नगर नियोजन मंत्री सरवीण चौधरी का कहना है कि प्रदेश सरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फिट इंडिया के सपने को साकार करने तथा लोगों के स्वास्थ्य को देखते हुए ध्यान में रखते हुए प्रदेश भर में चरणबद्ध तरीके से ओपन एयर जिम स्थापित कर रही है। वहीं सरकार व नगर निगम की इस पहल को लोगों की खूब सराहना मिल रही है। लोगों का कहना है कि इससे किसी भी उम्र का व्यक्ति अपनी सुविधा अनुसार लाभ उठा सकता है और इससे युवाओं को अपने स्वास्थ्य के साथ साथ नशे से दूर रहने में भी मदद मिलेगी। में और भारत भी बहुत खूबसूरती के साथ आगे बढ़ रहा है हर जगह पे, और मुझे लगता है नरेंद्र मोदी जी नया नया आइडिया लेके जिस तरह से इस देश को आगे बढ़ा रहे हैं, उसी कड़ी के बीच में हिमाचल प्रदेश भी अपना योगदान दे रहे हैं। कितनी धनराशि मैडम इसके ऊपर खर्ची जा रही है? पंचायतों का तो अलग अलग होगा, लेकिन हमारे यहाँ नगर निगम 2 करोड़ रुपए का जो हमारा प्रावधान होगा उसे हम अलग अलग जगह पे जो है जिम स्थापित करेंगे, और टेंडर प्रक्रिया तो है ही है हमारी। फायदे होंगे जी? बिल्कुल, अभी देखने में आया है कि हमारा जो कॉरपोरेशन का एरिया है धर्मशाला में, वहाँ कुछ पार्क जो है अभी बने हैं, और उसमें एक और अच्छी बात है कि पार्क बनने के साथ ही जो है उसमें ओपन एयर जिम भी लगे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। जो लोग जिमों में जा कर के भारी भरकम पैसा खर्च करके वहाँ नहीं जा सकते हैं, तो जो लोग शाम को टहलने निकलते हैं या अपनी सुविधा के अनुसार वहाँ पार्कों में जाके व्यायाम भी कर सकते हैं, एक तो इससे उनका स्वास्थ्य अच्छा होगा, और साथ ही जो हमारे युवा नशे वगैरह में भी जो जा रहे हैं, अगर वो भी इसका प्रयोग करते हैं तो उनकी हेल्थ के लिए भी एक अच्छी बात रहेगी। प्रधानमंत्री जी ने भी एक फिट इंडिया मुहिम जो है वो शुरू की है, तो हम लोग तो यही चाहते हैं कि ये सिर्फ थोड़े से क्षेत्र में काम होकर के ना रह जाए, बल्कि इसे पंचायत स्तर तक और पूरे विधानसभा क्षेत्र में इसे किया जाए।